नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार बोल दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हमारी राइट हैंड की तीनों फिंगर को एक्टिवेट करने वाला बोल सिखाऊंगा, जो कि बहुत बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर बोल है। साथ में आपकी हाथ का एक जो संचालन ही जो करेगा, वो उससे बेहतरीन कोई संचालन कर नहीं सकता। तो ये जो बोल है बहुत ही खूबसूरत से बोल है, मैं आपके सामने पहले बजाता हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि ये बोल कैसे बजता है। हमारी राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा बोल है, साथ में बजाने के लिए बहुत अच्छा बोल है। तो ये बोल है धाति तिट नाति धिट। कैसे बजेगा वो हम समझते हैं। तो धा के लिए ना और घे मिलाएंगे, धा। ती के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसको आपको शाही पर टैप करना है, वो भी कैसे, रिंग फिंगर हमारी यानी जो तीसरी अनामिका उंगली है मैदान में शाही से सटी हुई होना चाहिए, रखी हुई होना चाहिए, और सेकंड फिंगर से हम टैप करेंगे। ओनली मिडिल फिंगर आपको टैप करेगी, मध्यमा उंगली आपको ऐसी टच करना है, ठीक है। तो इसको ती बोलेंगे, ठीक है। तो ये धा ती तिट। अभी तिट के लिए आपको क्या करना है, पहले फिंगर का ती बजाना है, दो फिंगर से ट बजाना है, तिट, ठीक है। देखेंगे कैसे बजेगा, धा ती तीट। टॉप पे यदि आप लेफ्ट की हाथ की थाप लेंगे तो बोल और भी खूबसूरत बजेगा। तो कैसे बजाना है, धा ती तीट। अभी इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम धाती या नाती ये बोल बजाते हैं तो सेकंड फिंगर आपकी टैप होना चाहिए, थर्ड फिंगर रखी होना चाहिए। पर जब तिट और धिट ये शब्द बजाते हैं तो तिट के लिए आपको पहले फिंगर लगा के दो फिंगर उठा के लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दो फिंगर उठा के लगाएंगे तो ही बोल की खूबसूरती आएगी। और ऐसे धिट में भी आप तिट के साथ घे लगाएंगे तो धिट ऐसा बजाना है, मैं दिखाता हूँ आपको, धीरे धीरे फिर समझिएगा आप। धा ती ती ट ना ती धी ट। धिट और तिट जब भी बजाएंगे तो जो ट है दो फिंगर मतलब चिपका के बजाना है, मतलब ये जो रिंग फिंगर यहाँ पे रखी हुई होगी उसको उठा के आपको ट बजाना है। देखिए कैसे, फिर से देखते हैं, धा ती ती ट ना ती धी ट। यदि हम एक एक मात्रा को अलग करें, धाती अलग शब्द होता है और ती टक अलग शब्द होता है, तो धाती के लिए जो धाती और नाती के लिए जो सेकंड फिंगर है ती बजाना है, और ती का ती जो है वो पहले फिंगर से बजेगा, ठीक। तो फिर से देखते हैं हम, धा ती ती ट ना ती धी ट। धा ती ती ट ना ती धी ट। धा ती ती ट ना ती धी ट। धा ती ती ट। धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ाना है आपको, मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर आपको आपके जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ानी, एकदम मतलब कोशिश नहीं करनी। पर चूँकि वीडियो का टाइमिंग बहुत छोटा होता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ानी, पर धीरे धीरे जब तक आपका हाथ प्रॉपर ना चले तब तक आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो ये बोल कुछ इस प्रकार से बजता है, धाते तेटे नाते धेटे धाते तेटे नाते धेटे। मतलब इतना फास्ट बोल आपका इतने आराम से बजेगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा कितना अच्छे से बज रहा है। तो ये बोल एक जो है बड़ा कमाल का बोले, पर इसका जो एक रिवर्स बोल है यदि वो आप सीख गए तो बहुत सुंदर गाना भी उसके ऊपर है और बहुत ही मज़ेदार ये बोल मैं आपको इसके साथ सिखाऊंगा। अभी देखिए, यदि आप मेरे से यदि घर बैठे तबला ढोलक पखावा यदि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीखना चाहते हो तो मेरे दिए नंबर पे
व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और यदि आप अच्छा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, तबला ढोलक पखावज कुछ भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड हम शिपमेंट करते हैं। तो जो सेकंड बोल है वो कुछ इस प्रकार से देखते हैं हम। वही बोल है धाती तीती नाती तीती, उसका रिवर्स है। तो बोल कुछ इस प्रकार से धिट नाती तिट धाती, धिट नाती तिट धाती। अभी इसमें यही बात है कि धाती और नाती वो सेकंड फिंगर से ती बजेगा और धिट और तिट वो शाही पे बजेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं हम कैसे बजेगा। तो बोल है धिट नाती तिट धाती। धिट बजाने के लिए पहले फिंगर से ती और दो फिंगर से ट, तिट के साथ घे लगा के धिट बजाएंगे धिट। दूसरी मात्रा है नाती ना ती, ती जो है हमारा सेकंड फिंगर को टैप करके बजाना और रिंग फिंगर हमारी चिपकी रहेगी। फिर से देखते हैं धी ट ना ती, ती ट धा ती, धी ट ना ती, ती ट धा ती, धी ट ना ती, ती ट धा ती। अब इसको थोड़ा सा ग्रेजुअली हम स्पीड बढ़ाते हैं इसकी। टिट नाती टिट धाती। टिट नाती टिट धाती, टिट नाती टिट धाती, टिट नाती टिट धाती। अब मैं इसका गाना ही बता दूं आपको कि बहुत अच्छे गाने में लगा है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, ये बहुत ही शानदार बोल उसके अंदर लगा हुआ है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बोल है जो एक गाने में भी लगा है। और अब जब आप इसको बजाते हैं तो आपकी तीनों फिंगर्स एक्टिवेट होती है, आपके वादन में एक बहुत खूबसूरत सा बोल जुड़ जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ाइएगा। जल्दी स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि बोल बिगड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जैसा मैंने फिंगर का आपको एक्शंस बताया उस एक्शंस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जरा सी भी गलती करेंगे तो इस खूबसूरती नहीं आने वाली। तो ये जो आज मैंने आपको जो लेसन दिया है कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।